हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषि मलिक है और आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा और आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि SBI कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट के अंदर 16 मई 2018 से। इस फंड को डिस्क्लोज कर दिया गया था 2015 में 770 करोड़ के कैपिंग के साथ, और इस फंड का जो लास्ट 5 ईयर्स का कंसिस्टेंट रिटर्न था एज कम्पेयर टू DSP ब्लैक रॉक, L&T बिजनेस इमर्जिंग फंड, आदित्य बिरला डायरेक्ट फंड, जो कंसिस्टेंट रिटर्न रहा है लास्ट 5 ईयर से वो रहा है 35.2% का। और इसी के साथ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, अभी के समय से अगर आप एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड, जिसके अंदर कंसिस्टेंट रहा है रिटर्न लास्ट 5 ईयर से। विद दैट आपको रिटर्न भी दिया है मार्केट के हिसाब से, और कंपैरिजन करूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से तो कंसिस्टेंसी के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी आपका लेस देन 2% रहेगा इस फंड के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सेबी के बारे में। सेबी ने इस फंड को इंट्रोड्यूस किया है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप सभी को बताना चाहूंगा, मार्केट में इनफ्लो रहता है और आउटफ्लो भी रहता है और वोटैलिटी भी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग सेबी ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड के अंदर, तो जो लार्जेस्ट अमाउंट रहेगी आपकी, जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगी आपकी 25,000 रुपीज की रहेगी, जो आप मंथली मोड पर स्टार्ट कर सकते हैं इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना। और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा SBI जैसी कंपनी की रिलायबिलिटी और उसी के साथ इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। इस फंड का जो पोर्टफोलियो रहेगा कंसिस्टेंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, IT सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड के अंदर। मानता हूं मोर्टैलिटी की वजह से या आपकी फ्लक्चुएशन की वजह से आप घबराते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट को करने से, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट 5 ईयर्स के कंसिस्टेंट रिटर्न के आधार पर कि आपका अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपैरिजन के आधार पर, तो सबसे बेस्ट फंड रहेगा SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड। उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं अभी के समय से, एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करिए अगर पॉसिबल रहता है आप सभी के लिए इन फंड्स के अंदर या म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसी समय पर आप अपनी NAV को नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यूनिट्स को परचेज करते हो और स्टॉप कर देते हो उसी टाइम पर। और आज के समय से अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मार्केट अभी 300 पॉइंट्स डाउन है, 300 यूनिट्स डाउन है, तो अगर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाह रहे हो इस मेजर अपडेट के बाद, SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रिलायबिलिटी भी रहेगी विद दैट कंसिस्टेंसी भी रहेगी। और आप सभी को एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, रिटर्न्स के हिसाब पे कभी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि हर एक कंपनी लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिटर्न कंसिस्टेंट बनाकर रखती है अपने वेबसाइट्स के ऊपर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए कंपनी के पोर्टफोलियो के हिसाब से। पोर्टफोलियो का मतलब है कि कंपनी कौन सी मेजर कंपनीज के अंदर, कौन से मेजर सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है आपका पैसा। जैसे कि सेक्टर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, कोल इंडस्ट्री होगी, तो इन सेक्टर्स के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, पेशेंस रखिए अपने माइंड में एंड एक माइंडसेट बनाकर रखिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को लेके चलिए, तभी आपको मार्केट से रिटर्न मिलेगा और रिस्क अमाउंट जीरो रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट में। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, आपके 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे सिर्फ से सिर्फ, एक रहेगा आधार कार्ड और एक रहेगा आपका पैन कार्ड। इन 2 डॉक्यूमेंट से SBI की वेबसाइट पे जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली करना चाहे मंथली मोड पर तो वो भी पॉसिबल रहेगा, अगर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
डायरेक्ट फंड में, SBI स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, तो आप वो भी कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी आपके माइंड में रहती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप सभी से जुड़ पाऊँ और आप सभी के हर एक क्वेश्चन के आंसर को आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।